झारखंड में चुनाव का बिगुल बज गया है और तमाम चुनावी मैदान में अब एक से बढ़कर एक सुरमा नजर आएंगे जो दो दो हाथ करते हुए चुनावी दंगल में दिखेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात हो रही है कि किस प्रत्याशी के बीच में कैसी भिड़ंत होगी और इसके अलावा उस सीट का नेचर क्या है, उस सीट का मिजाज क्या है, जिसे हम सीट स्कैनर में जानने की कोशिश करते हैं लगातार। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जमशेदपुर पश्चिमी सीट की। इस सीट का नेचर क्या रहा है, इस सीट का मिजाज क्या रहा है, यहाँ के लोग किस तरह अपने प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी प्रत्याशी को यहाँ जीत या हार में मदद करते हैं, इस बार जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे उनके बीच में किस तरह का दिलचस्प मुकाबला होगा, क्या समीकरण में कुछ फेरबदल हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और इस सीट को समझने की कोशिश करेंगे, इसके मिजाज को भांपने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, जमशेदपुर पश्चिमी सीट फिलहाल तो मंत्री बन्ना गुप्ता को ही रिप्रेजेंट कर रही है ये सीट, लेकिन अब चुनावी दंगल में जब सरयू राय यहाँ से ताल ठोक रहे हैं तो ये सीट अपने आप में बेहद दिलचस्प बन जाती है। इस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस सीट का नेचर क्या है, इस सीट का मिजाज क्या है। देखिए, अगर आप जमशेदपुर पश्चिमी की सीट के बारे में बात करें तो ये सीट अस्तित्व में आया 1967 में। उससे पहले ये जमशेदपुर विधानसभा के अंतर्गत ही आता था। तो जमशेदपुर पश्चिम से जो इसका गठन हुआ वो 1967 में हुआ और पहली बार जो विधायक बने वहाँ से वो बने सी व्यास, जो कि कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस के बने, फिर दो टर्म जो है वो सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट के विधायक रहे। लेकिन यहाँ पर जो आप अगर इस सीट को स्कैन करें तो जो आपको दिखता है, यह मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होता आया है। बीजेपी इस सीट को जो है वो 5 बार जीतने में कामयाब रही है, तो कांग्रेस ने इस सीट को 4 बार जीता है। तो ये चीज़ें आपको स्कैन करने पर दिखती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस सीट के लिए दिखती है कि यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है, अगर हम झारखंड अलग राज्य बनने के बाद की बात करें तो मुख्य मुकाबला जो है वो 2019 को हम छोड़ दें तो बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में रहा है। और बन्ना गुप्ता यहाँ पर एक फैक्टर रहे हैं, जब वो चुनाव में आए हैं तो वो या तो तीसरे स्थान पर रहे या दूसरे स्थान पर रहे, या यहाँ से 2 बार जीतने में सफलता भी उन्होंने प्राप्त की। दूसरी तरफ सरयू राय भी यहाँ से जो है वो 2 बार के विधायक हैं, 2005 और 2014 में वो बीजेपी के टिकट पर जीतने में कामयाब हुए। वैसे जो एमपी सिंह हैं, जो कि झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह की अगर हम बात करें तो वो 3 बार जो है वो जमशेदपुर की सीट से विधायक बने हैं। इतनी चीज़ें देखने के बाद हम जब इसके चुनावी समीकरण पर जाते हैं तो जो एक दिलचस्प चीज़ दिखती है वो, जैसा मैंने आपको कहा कि सरयू राय और बन्ना गुप्ता की जो चुनावी जंग है वो दिखती ही है। और पिछले 1.5-2 सालों में जो हमने चुनाव के बगैर भी दोनों के बीच प्यार देखा है तो वो प्यार जो है एक बार फिर से इस चुनाव में भी दिखाई देगा। तो बयानों के तीर जो है वो दोनों तरफ से चलेंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि इस बार तीर जो है वो सरयू राय के साथ नहीं है। लगता होगा कि वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो तीर चुनाव निशान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। झारखंड में जो जेडीयू है वो गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। बाकी जो बिहार है, अरुणाचल है और मणिपुर है, वहां पर जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर ही है, लेकिन झारखंड में गैस सिलेंडर है। तो अब गैस सिलेंडर है तो अब इस पर क्या पकेगा इस बार चुनाव में, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर जो एक और चीज स्कैन करने पर दिखती है कि पूरे कोल्हान में अगर सबसे ज्यादा कहीं मुस्लिम आबादी है तो वो जमशेदपुर पश्चिम में ही है। और ये चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 28.4% जो है वो मुस्लिम वोटर्स इस क्षेत्र में मिलते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार, अगर आप इसे देखें तो। और यही वजह है कि जमशेदपुर पश्चिम से 3 मुस्लिम विधायक अब तक चुने गए हैं।
अब अगर हम आ जाएं 2000 से और देखना शुरू करें, 2000 वो चुनाव जो एकीकृत बिहार का आखिरी चुनाव था, लेकिन मैं बार बार 2000 को इसलिए उठाता हूं क्योंकि उसी आधार पर झारखंड में पहली सरकार बनी थी। तो अगर हम 2000 में जाएं तो वहां पर बीजेपी के मृगेंद्र प्रताप सिंह जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और उन्होंने जो है वो शमसुद्दीन खान जो कि कांग्रेस के थे उनको पराजित किया था 26,744 वोट से। लेकिन दिलचस्प ये है कि बन्ना गुप्ता तब भी जो है इस चुनावी मुकाबले में थे, वो तीसरे स्थान पर रहे थे 22,500 वोटों के साथ, लेकिन वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वो पार्टी थी समाजवादी पार्टी। फिर 2005 आता है और एमपी सिंह के बाद जो है सरयू राय पहली बार चुनाव में आते हैं और वो एक बार चुनाव जीतने में सफल रहते हैं और उन्होंने पराजित किसे किया था, उन्होंने पराजित किया था बन्ना गुप्ता को। लेकिन बन्ना गुप्ता इस बार भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे थे। मतलब बन्ना गुप्ता की पकड़ इस क्षेत्र में कैसी है इसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकती हैं कि जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी चुनाव लड़े, जिसकी कि झारखंड में बहुत पहचान नहीं रही है, तब भी वो मुख्य मुकाबले में 2005 में आ गए थे, जबकि 2000 में वो तीसरी पोजीशन पर थे। तब 2005 में सरयू राय ने 12,695 वोटों से बन्ना गुप्ता को पराजित किया और वहां पर जो है कांग्रेस चौथे स्थान पर चली गई थी और एलजेपी जो है वो तीसरे स्थान पर थी। अब अगर हम इस चुनाव को समझें, 2005 का चुनाव, मैं इस सीट को समझने में यूज करना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप देखें तो जो सरयू राय थे उन्हें 32.29% वोट मिले, बन्ना गुप्ता को 34.7% वोट मिले, कांग्रेस को जो उनकी प्रत्याशी थी वो थी आयशा अहमद, उन्हें 13.12% वोट मिले और हिदायतुल्ला एलजेपी से थे उनको 23.23% मिले। मतलब अगर आप एलजेपी और कांग्रेस जिनके की दोनों मुस्लिम कैंडिडेट थे अगर उनके वोट प्रतिशत को आप जोड़े तो वो जो है 36% के आसपास आ जाता है, जो कि सरयू राय को जो वोट मिला था उससे ज्यादा था। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि 2005 के चुनाव तक बन्ना गुप्ता को उस तरह से मुस्लिम वोट नहीं गए और इसी वजह से वो 2005 का चुनाव जो है वो सरयू राय से हार गए। लेकिन 2009 में उन्होंने हिसाब चुकता कर दिया, तब वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने और उन्होंने जो है सरयू राय को पराजित कर दिया 3,297 वोटों से। तो एक करीबी मुकाबला हुआ वहां पर, लगभग 3% मत का अंतर रहा दोनों में। लेकिन फिर 2014 में सरयू राय ने पिछली हार का हिसाब चुकता किया और वो जीते 10,500 वोटों से। जो प्रत्याशी थे कांग्रेस से वो बन्ना गुप्ता ही थे। तो जब बन्ना गुप्ता की एंट्री हुई थी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, तो उस समय या तो ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही थी या जो है आपको मल्टी कॉर्नर फाइट देखने को मिल रही थी। लेकिन जब बन्ना गुप्ता कांग्रेस में आ जाते हैं तो बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई दिखने लगी। फिर 2014 में सरयू राय जीते, लेकिन 2019 में सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने जमशेदपुर पूर्वी गए और वहां पर जीत हासिल की। लेकिन तब बन्ना गुप्ता के सामने बीजेपी के देवेंद्र नाथ सिंह थे और तब बन्ना गुप्ता ने एक बड़ी जीत दर्ज की, जो कि सरयू राय और बन्ना गुप्ता के मुकाबले में आपको मुकाबला थोड़ा करीबी दिखता था, लेकिन यहां पर जो वो जीत का मार्जिन है वो 22,583 वोटों का हो गया। तो अब अगर हम जमशेदपुर पश्चिम में बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच जो मैच चल रहा है, चुनावी मैच, उसकी बात करें तो वहां पर सरयू राय लीड कर रहे हैं 2-1 से। अब अगर सरयू राय इस बार जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ते हैं, जिसकी की चर्चा बहुत ज्यादा है, हालांकि अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ते हैं तो अब ये देखना होगा कि क्या बन्ना गुप्ता स्कोर लाइन को 2-2
करते हैं या सरयू राय जो है अपनी बढ़त को 3-1 कर लेते हैं। लेकिन देखिए दो बातें इसमें है, अब बन्ना गुप्ता मंत्री बन चुके हैं, इस टर्म में वो मंत्री बने, और इससे थोड़ा सा होता है कि जो अब आपके वोटर्स हैं उनका उत्साह दोगुना होता है। दूसरी बात ये कि 5 सालों तक इस इलाके से, इस सीट से सरयू राय अलग रहे, वो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और वहाँ की राजनीति करते रहे, तो ऐसे में क्या ये दोनों जो अब अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं उसका असर इस सीट पर दिखेगा, इस चुनाव में दिखेगा? देखिए आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि चाहे वो सरयू राय हो या बन्ना गुप्ता हो, झारखंड की राजनीति में इनका एक कद है और वो कद काफी ऊंचा है दोनों का ही। तो इस लिहाज से अब मैं इसका फर्क भी आपको समझाता हूं कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को जमशेदपुर पश्चिमी से जो बढ़त मिली वो 55,698 वोटों की मिली। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि जो जेएमएम यहां से चुनाव लड़ रहा था जमशेदपुर लोकसभा से, उसे वोट कितने मिले? 77,474। और जब 2019 में बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर तो उनको वोट कितने मिले थे? 96,778। मतलब ये हुआ कि अभी जेएमएम प्रत्याशी को जितना वोट मिला इस विधानसभा में उससे ज्यादा वोट लेकर बन्ना गुप्ता आए थे, और ये उनकी जो एक अलग पहचान है या राजनीति में जो उनका एक कद है ये उसकी वजह से आता है। तो जो बन्ना गुप्ता के नाम पर वोट आता है वो उनके नाम पर होता है। और इसी तरह से जब आप सरयू राय जब आखिरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तब उन्हें जो है लगभग 50% वोट आए थे, तो उनका कद क्या है राजनीति में ये समझिए। तो दो कद्दावर नेताओं के बीच की ये भिड़ंत है, और मुझे लगता है कि जो झारखंड में जो ये चुनाव होगा और 81 विधानसभा में, उसमें से एक ये हॉट सीट होगी जिस पर कि न सिर्फ राज्य की बल्कि पूरे देश की नज़र होगी कि इस सीट पर क्या कुछ जो है वो होने जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए बन्ना गुप्ता भी एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि माहिर राजनीतिज्ञ हैं जितने कि सरयू राय हैं। आपने बन्ना गुप्ता को अक्सर ये कहते सुना होगा कि मैं भी बनिया का बेटा हूं, वो बार बार बनिया अगर कहते हैं बनिया का बेटा हूं, तो ये जो आप देखते हैं कि जेएमएम को 77,474 वोट लोकसभा में आए, और पिछले विधानसभा में जब इस समय से लगभग 25-30 हजार वोटर कम रहे होंगे उस समय बन्ना गुप्ता को 96,778 वोट आया, तो इसका मतलब ये है कि जो वोट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाता है वो विधानसभा में नहीं जाता। और वो कौन सा वोट नहीं जाता? वो बन्ना गुप्ता जो कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, वो वोट जो है वो बन्ना गुप्ता के पास आता है, और इसी वजह से जो है पिछली बार इन्हें 50% से ज्यादा मत जो है वो मिले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि दोनों माहिर राजनीतिज्ञ हैं, और इसलिए दोनों जो राजनीतिक चाले चलेंगे वो देखने लायक होगा, और मुझे लगता है कि राजनीति के जो छात्र हैं उन्हें इस चुनाव पर नजर रखनी चाहिए कि जो दोनों माहिर राजनीतिज्ञ हैं वो किस तरह से अपने चुनाव को लेकर आगे बढ़ते हैं। परिणाम क्या आएगा ये अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि इस सीट पर कोई भी भविष्यवाणी करना जो है फिलहाल जोखिम भर रहा है। बिल्कुल, अगर एक और सरयू राय लड़ते हैं तब। हाँ बिल्कुल, और देखिए पिछले बार की विधानसभा को भी देखें, रघुवर दास जो कि सीएम थे उनके खिलाफ सरयू राय चुनावी मैदान में उतरते हैं, अपनी सीट को छोड़कर दूसरी सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। मतलब एक सीएम को वहां से आप हरा रहे हैं उसकी सीट से जिसने पूरा टर्म किया हो 5 साल का, तो ये बड़ी बात है। और जिस तरह से दोनों के बीच में शीतयुद्ध दिखता रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में, तो ये मुकाबला ऐसे ही बहुत दिलचस्प बन जाता है। वो उस सीट को छोड़कर वापस बन्ना गुप्ता की सीट पर लड़ने आ रहे हैं। जी अब मैंने कहा ना कि दोनों का अपना एक प्यार है, और ये प्यार दिखाने का एक तरीका है, दोनों एक दूसरे पर बहुत तीखे बयान देते हैं और इसके लिए जाने जाते हैं। और झारखंड की राजनीति में अगर बन्ना गुप्ता कुछ सरयू राय के लिए बोले या सरयू राय कुछ बन्ना गुप्ता के लिए बोले, तो अगर वो अखबार में वो खबर छपी हो तो सारे जो पाठक होते हैं उस खबर को ज़रूर पढ़ते हैं, और अगर टीवी यूट्यूब पर आ जाए तो जो भी देखने वाले होते हैं उस खबर को तो कम से कम ज़रूर देखते हैं। ये दोनों के बीच जो ये तकरार चलती
है वो सभी देखते हैं और सभी जानना चाहते हैं कि एक दूसरे के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि तलखी कुछ ज़्यादा आ गई पिछले अगर हम 6-7 महीनों में कहें तो, लेकिन इससे चुनाव और रोचक बनेगा और दिलचस्प बनेगा, ये ज़रूर है। चलिए, तो इस सीट पर फैक्टर और मुकाबले की बात हमने कर ली है। एक और चीज़ है रंजन जी, इस सीट पर जानना चाहेंगे। देखिए, जेएलकेएम ने अपनी 3 सूची तो जारी कर दी है, लेकिन इस सीट पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। क्या अगर जेएलकेएम से या जयराम की पार्टी से कोई मजबूत कैंडिडेट उतरता है इस सीट पर, तो इन दोनों जो दिग्गज हैं, इन दोनों दिग्गजों के बीच का मुकाबला क्या त्रिकोणीय बन पाएगा? देखिए, यहाँ से जेएलकेएम किस कैंडिडेट को उतारता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या उस कैंडिडेट की इस विधानसभा क्षेत्र में पहचान है, क्योंकि दोनों कद्दावर नेता हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके वोटर हैं, वो जिनके साथ हैं वो उन्हीं के साथ रहेंगे। उन्हें खींचकर अपनी तरफ लाना किसी तीसरे प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। और ये देखना होगा कि वो जो कैंडिडेट है वो किस जाति का है, क्या वो अल्पसंख्यक कैंडिडेट तो नहीं आ रहा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। चूंकि यहाँ पर अगर आप कुर्मी वोटर्स की जो भूमिका कहते हैं वो भी एक है, भले ही वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो क्या प्रत्याशी जयराम वो उतारते हैं या वो अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतारते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह का चुनाव मुझे लगता है कि होगा, और खास करके जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरयू राय और बन्ना गुप्ता जी की जो आपस में जो तकरार चलती रहती है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि किसी तीसरे के लिए इसमें इस जंग में एंट्री करना जो है वो आसान नहीं होगा।